नमस्कार, न्यूज़ साप्ताहिक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित। इस वक्त हम हैं CPIM के ऑफिस के यहाँ पर और हमारे साथ है CPIM के सेक्रेटरी DIAppan जी। और आज हम इनके पास आए हैं क्योंकि आप सभी इस पावर कट है, इससे आप सभी जो है इस वक्त जूझ रहे हैं। और दिन हो या रात, हमेशा ही जो है पावर कट होते रहते हैं, लेकिन बिल तो हमेशा जितना आता है उससे हर महीना अगर देखा जाए तो कम नहीं आता है, बल्कि उससे जो है हमेशा जो है बढ़कर ही आता है। तो अब हम इतने पावर कट्स क्यों हो रहे हैं अभी, इसके बारे में हम अय्यप्पन जी से जानते हैं। और अभी यहाँ पर जो है यहाँ की जो प्रेजेंट जो सरकार है, सेंट्रल में जो सरकार है, आखिर क्या इस चीज़ के बारे में उन्हें नहीं पता? उसके बावजूद भी वो लोग क्यों कुछ कदम नहीं उठा रहे हैं? 2024 में इलेक्शन है, उसके बावजूद भी लोग जो है इतने परेशान हैं। उसके बावजूद अभी लोग अभी शुरू होंगे जितने भी MP कैंडिडेट्स हैं, तो आखिर वो लोग क्या बात लेकर जो है पब्लिक के पास जाएंगे? तो इसी सिलसिले में हम अय्यप्पन जी से बात करेंगे और लोग इतने जो परेशान हैं तो उन्हीं का मुद्दा लेकर हम अय्यप्पन जी के पास आए हैं। तो आइए हम उनकी मुझबानी सुनते हैं। नमस्कार आपको आने के लिए। देखिए, ये पावर कट जो है ये कोई नया चीज़ नहीं है अंडमान निकोबार के लिए, सबको मालूम है, लेकिन खास करके जो है पिछले 2 साल से जो है ज़्यादा बढ़ गया। आपको मैं पहले भी जो है कई बार इंटरव्यू दिया था, बाइट्स दिया था यहीं बैठ करके पावर कट के बारे में। तो पिछले 1.5 साल से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से कई बार ये मुद्दे को लेकर के आंदोलन किया था, पोर्टलेयर में, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस के सामने, म्यूनिसिपल के सामने, सब जगह, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, सुनता नहीं है किसी का जो है बात, किसी का कोई एजिटेशन का कोई मतलब वैल्यू नहीं दे रहे ये गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट आपको पता है जब से सत्ता में आने के बाद में 2014 से खाली बात ही बोल रहे हैं, अश्योरेंस होलो प्रोमिसेस कहते हैं, बात ही बोल रहे हैं लेकिन कोई चीज़ होता नहीं है। प्राइम मिनिस्टर खुद 2018 दिसंबर 30 तारीख को यहाँ अंडमान के नेताजी स्टेडियम में खड़ा होकर के उन्होंने बताया अगले 2 साल के बाद में, 2 साल के अंदर में बिजली कटौती अंडमान में नहीं होगा, पानी का समस्या नहीं होगा। लेकिन अभी तो देखिए, आप सभी को और जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ आप लोग कमेंट भी कीजिए। देखिए, ये तो उसके विपरीत ही मतलब अभी हो रहा है। जैसा आप अभी कह रहे थे कि मोदी जी जब यहाँ पर आए थे उन्होंने जो भी कहा था, ये तो उसके विपरीत ही हो रहा है अभी। सही है। ये सरकार का जो है कोई प्लान और पॉलिसी ना होने का वजह से ये सिचुएशन हो गई। पहले अंडमान निकोबार में जो आपको पता होगा पावर जनरेशन डीजल जनरेशन थी, डीजल सेट से डिपार्टमेंट का डीजल जनरेटर सेट से जो है पावर जनरेशन हुआ करता था, पोर्टलेयर साउथ अंडमान में हो या आउट स्टेशन में, सब जगह। बाद में पोर्टलेयर में अभी 2-3 साल से सोलर पावर का जो है प्लांट्स लगा के उसमें से जो है दिन का टाइम में पावर सप्लाई कर रहा है। लेकिन जो हिसाब से जो डिपार्टमेंट का जो पावर हाउस चलते थे वहाँ जितना जो जनरेटिंग सेट थे वो सारा चीज़ जो है बंद कर दिया इन लोग पिछले जो है कुछ 10 साल के अंदर में। बंद करके पूरा इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर जो है प्राइवेटाइज करने के लिए इनका प्लान है। इसके तहत जो है ये सारा ड्रामा अभी अंडमान में हो रहा है। ये लोगों को समझाता नहीं है रूलिंग पार्टी वाले या हमारे माननीय सांसद या दूसरा कोई, लेकिन हम लोगों को पता है ये प्राइवेटाइजेशन का जो प्लान जो है बहुत ज़ोर से चल रहा है। उसमें कुछ दिक्कतें ये आ रहे हैं कि जो है जैसा गवर्नमेंट ने सोचा था उस तरह जो है बिड में लोग आता नहीं टेंडर में, इसलिए थोड़ा देरी हो रहा है। और आज नहीं तो कल जो है पूरा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पावर जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सारा चीज़ जो है ये प्राइवेट का हाथ में चले जाएगी।
और अभी जो सब्सिडाइज्ड रेट में जो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है ये बंद हो जाए। हर साल जो है बिजली का दर जो है बढ़ रहा है, उसका जो तारीफ बढ़ रहा है, खाली बिजली का नहीं है, हर चीज़ के लिए बढ़ा रहे हैं। या आप देखिए शिप का जो फेयर है, बोट शिप वगैरह का, हर साल 10% बढ़ रहा है। चातों शामिल में जाइए, लकड़ी का जो दाम है हर साल 10% बढ़ा रहे। हर चीज़ जो है अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ बढ़ा रहे और बीजेपी गवर्नमेंट सेंटर में वहाँ में भी बढ़ा रहे। तो मतलब तारीफ बढ़ाने का जो है वो तो उसका विरोध हुआ था, हर क्षेत्र से हर सेक्टर से जो है यहाँ विरोध हुआ था। वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो या बिजनेस कम्युनिटी हो या पॉलिटिकल पार्टी हो, लेकिन जो है किसी का बात जो है ये गवर्नमेंट सुनता नहीं है। इनको कोई प्लान नहीं है कि कैसा इधर में पावर जनरेशन बढ़ा सकते हैं। हम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का तरफ से उसके लिए ये कई बार हम लोगों ने प्रपोजल रखा। सबसे बड़ा प्रपोजल, पहले का प्रपोजल हम लोग ये रखा कि मिनिस्ट्री जो है एक टीम, एक टीम को जो है बेस करके, एक्सपर्ट टीम को बेस करके ये स्टडी करना चाहिए अंडमान का जो पोर्ट ब्लेयर साउथ अंडमान एरिया में पावर जनरेशन से रिलेटेड क्या क्या दिक्कतें हैं, क्यों पिछले कई दशकों से, खाली एक दो दिन से नहीं है, कई डिकेड्स जो है हम लोग यही सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो ये सिचुएशन कैसा हो गया, इसका समाधान सोल्यूशन क्या है, कैसा ये सोल्व करना चाहिए। ऐसे जो है मतलब फेस वैश जो है करके तो नहीं हो सकता, उसका कोई कॉन्क्रीट समाधान वाला स्टेप लेना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तब जा करके जो है यहाँ का पावर क्राइसिस जो है ख़त्म हो सकता है। यहाँ पावर जनरल, हम मिनिस्ट्री में पिछले जून में हम मिनिस्ट्री गया था, दिल्ली गया था, हम सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पावर को एक मेमोरेंडम दिया था, हम उसमें ये सब बात बताया था। हम बोला इमीडिएटली एक टीम को भेज दीजिए, आप इमीडिएटली डीजल जनरेटिंग सेट आप लगा दीजिए पोर्ट लेयर में, ताकि जो इधर में पावर जनरेशन बढ़ा सकता है इधर में, ताकि इधर का जो है लोड शेडिंग बंद हो सके। ये तो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जब भी देखो इधर में जो है खाली रेडियो टीवी में इनका जो है जो प्लान के बारे में ही बात हो रहा है, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, जो भी है, जब भी कोई भी आता है मेलान से, प्राइम मिनिस्टर से लेकर के जो भी आता है, सब तो बड़े बड़े प्लान के बारे में जो है अम्बिशस प्लान के बारे में बात करके चले जाता है, लेकिन ज़मीनी तौर पर जो है हकीकत में क्या है इधर में, यहाँ तो डेली 6 घंटा 7 घंटा पावर कट है इधर में। वो कहीं कुछ भी नाम उसको बोलो, लोड शेडिंग बोलो, ट्रिप बोल दो, और कुछ ना जो भी जो है टेक्निकल वर्ड बोलता है। और ये इसको एक अंध होना चाहिए। और मैं पहले भी बोला, फर्स्ट टाइम जो है अंडमान का हिस्ट्री में बोर्ड एग्जामिनेशन का टाइम में भी लोड शेडिंग किया, इसका विरोध कौन कर रहे हैं? एमपी साहब कहाँ चले गया? एमपी साहब क्यों इसको विरोध नहीं कर रहे? बीजेपी पार्टी जो है रूलिंग पार्टी, उन लोग करेगा ही नहीं है। इलेक्शन का टाइम है, इधर में सारे लोग आके खड़ा रहे, पैसा दे करके, दूसरा जो है शराब दे करके, लालच दे करके, हम वो करेंगे ये करेंगे वोट पकड़ने के लिए, लेकिन लोगों का मुद्दे पर जो है बात करने के लिए कोई नहीं, लोगों को तकलीफ समझने के लिए कोई नहीं। बच्चा सोता नहीं है, बच्चों को पढ़ नहीं सकता, स्कूल जो में पढ़ने वाले लोगों को, कॉलेज में पढ़ने वाले लोगों को पढ़ नहीं सकता, करंट नहीं है। जिनका पास पैसा है वो इन्वर्टर रख सकता है, 2-3 घंटा जो है वो चलेगा, बड़ा फैमिली है तो 1-2 घंटा चलेगा, उसके बाद में वो भी अंधेरा में बैठेगा। तो ये सिचुएशन कब, ये सिचुएशन को खत्म होगा, कौन इसका समाधान ढूंढेंगे? डेली जो है बड़े बड़े जो है मतलब न्यूज़ दे करके हम वो कर रहे हैं, वो करने जा रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं, फोटो के कलर फोटो के साथ जो है पेपर में आ रहे हैं, इसका कोई अंत होना चाहिए। ये लोगों को जो इस तरह जो है मतलब फूल बनाने का इनका जो प्रोग्राम है, ये बीजेपी का कांग्रेस का, ये खत्म होना चाहिए। यहाँ जो है 24 घंटा पावर मिलना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी मिलना चाहिए, उसके लिए डीजल जनरेटर सेट यहाँ लगाना चाहिए,
और अंडमान का इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन करना चाहिए, यहाँ का जो पहले का पावर हाउसेस है वो रिनोवेशन करना चाहिए, रिनोवेट करके वहाँ जो पुराना पावर हाउस को हटा करके रिप्लेस करके नया पावर हाउस रखना चाहिए। मुझे पता चला है कि जो है जो प्रपोजल यहाँ से भेजा था बीजेपी गवर्नमेंट वो रिजेक्ट कर दिया करके सुनने में आ रहा है, यही स्थिति है। कोई इसके बारे में सोचता नहीं, कोई कॉन्क्रीट प्रपोजल रखता नहीं है। हर साल पिछले कई सालों से अभी हम लोग देख रहे यही सिचुएशन चल रहा है, तो किसको बताएंगे। हम लोग एजिटेशन करके चार पांच एजिटेशन करके हम लोग फिर छोड़ दिए, क्योंकि गवर्नमेंट तो सुनता नहीं, तानाशाही गवर्नमेंट है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन है, इधर में किसी को कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई लोगों का साथ बातचीत होता नहीं है, एलजी साहब किसी से मिलता नहीं है, ऑफिसर जो दिल्ली से आता वो अपना मनमानी तरीका से काम चला रहा है, इधर में उनका सब घर में जो इन्वर्टर है, उनका सब ऑफिस में जो है पावर जनरेटिंग सेट है, इधर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, होना चाहिए ऑफिस में, मैं तो नहीं होना करके नहीं बोल रहे, काम चलना चाहिए। उनका बंगला में भी, सबका बंगला में भी ये सब फैसिलिटीज है, आम जनता के पास कुछ भी नहीं है, गरीब मजदूर के पास क्या है, उनको कोई इन्वर्टर नहीं है, 10,000-12,000 रुपया में काम कर मंथली काम करने वाले लोगों को वो कहाँ से जो है 30,000-35,000 दे करके इन्वर्टर खरीदेंगे, क्या करेंगे। ये गवर्नमेंट ऐसा गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट को ये लोगों को खाली जो अश्योरेंस देते रहता हूँ, कोई चीज़ करता नहीं है। कौन सा सेक्टर में इन लोग जो है काम कर रहे हैं आप बताइए, हर सेक्टर में यही हालत है, खाली पावर का नहीं है। धन्यवाद। तो इसको लेकर जो है आपका अगला स्टेप क्या होगा। मैं अगले स्टेप क्या है, हम लोग कई बार एजिटेशन किया, हम लोगों को बता सकता है, लोगों को बताने का ही हमारा काम है, ये असलियत है, ये सच्चाई यही है। इसको लेकर के जो है हमारा MP साहब जो है कोई विरोध नहीं कर रहे, बीजेपी सरकार जो है असफल हो गया, बीजेपी वाले इसके बारे में मुंह नहीं खोल रहे, और लोगों को परेशानी बढ़ रहा है, बच्चों का जो खास करके जो स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रन है वो पढ़ने का उनको जो है मौका नहीं मिल रहा है, करंट कट डेली सवेरे 5:30 बजे से करंट चले जाता, सवेरे लेडीज जो है जो ऑफिस में जाता स्कूल में जाता जो है उनको मिक्सी चलाना पड़ता है, आयरन चलाना पड़ता है, उनको बहुत काम है उधर में, करंट रहेगा तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन लोग जो है विरोध नहीं कर रहे, इधर में विरोध करने का भी इधर में मौका नहीं है, वो भी बंद करके रखा है, या एक 15 आदमी को लेके एक जुलूस निकालना तो 2 हफ्ते पहले परमिशन लेना, यही बीजेपी का राज में, यहाँ कोई डेमोक्रेसी है ही नहीं है। आप निकलिए इधर में 25 जन को लेकर के जुलूस करने के लिए, आपका खिलाफ में केस हो जाएगा विदाउट परमिशन, कौन सा डेमोक्रेसी है इधर में। हम बताते हैं लोगों को, हमारा पार्टी CPIM पार्टी हम लोगों को बता रहे हैं, पिछले खास करके पिछले 1-2 साल से हम लोग बता रहे हैं लोगों को, यही असलियत है। ये गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट जो है अटरली फेल हो गया। तो ये थे अय्यप्पन जी, जैसा इन्होंने पब्लिक को लेकर जो है काफ़ी मुद्दे उठाए हैं, और जब भी हम इनके पास आए हैं जनता से जुड़े हर सवाल हम इनसे पूछते हैं, तो अभी जो है पावर कट्स को लेकर जनता बहुत ही परेशान है, बेहाल है, लेकिन क्या करे, जनता तो आम जनता है, वो लोग कुछ कर भी नहीं सकते, लोगों को जो है जुलूस भी नहीं निकालने दिया जाता, और काफ़ी कुछ है, लोग काफ़ी परेशान है, लेकिन यहाँ के जो भी IAS ऑफिसर है या LG साहब जो है वो कभी इन जैसे लीडर्स से ही कभी नहीं मिलते, तो जनता से कहाँ से मिलेंगे, जनता का तकलीफ वो कहाँ से समझेंगे। पावर कट्स के बारे में और हम क्या बताएं आपको, तो डेली जो है हर दिन कभी 2 घंटा कभी 3 घंटा जो है कम नहीं हो रहा है, और आगे के दिनों में और क्या होगा इसके बारे में हम और कुछ बता भी नहीं सकते, बस हम यही कह रहे हैं 2024 में जो है इलेक्शन है, अब सुनने में आया है कि काफ़ी लोग जो है उम्मीदवार है, बस उन्हीं के नाम पर हम छोड़ देते हैं कि अंडमान निकोबार का जो है अब जो भी बेड़ा है वही लोग उठाएंगे। बस इसी के साथ ही मैं रोहित कैमरामैन नवीन के साथ न्यूज़ आप तक, धन्यवाद।
अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।